हेलो फ्रेंड्स, आपने ये कई बार सुना होगा कि आपकी इनकम के कई सोर्स होने चाहिए। किसी एक ही सोर्स पर आपका डिपेंड होना बहुत रिस्की है। अमीर लोगों के इनकम के कई सोर्स होते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास की इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड होती है, जैसे जॉब से मिलने वाली सैलरी। अगर आप अपने आसपास के अमीर लोगों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके पास कई तरीकों से पैसा आता है, जिसमें कुछ एक्टिव इनकम होती है, कुछ पैसिव इनकम होती है। लेकिन आपने देखा होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं? इसका कारण समझने के लिए आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को सही तरह से समझना होगा। और अगर आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि अमीर बनने के लिए एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम की जरूरत होती है। जबकि ज्यादातर लोग जाने या अनजाने में सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए ही काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम की बात करेंगे, जिनसे अमीर और अमीर बनता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या एफडी की। ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट और इनकम का सबसे आम जरिया है, जो लोग अपने इन्वेस्ट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो सिक्योर रहता है और आपको आपके पैसे का ब्याज मिलता रहता है। जैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है, आपकी कैपिटल आपको वापस मिल जाती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन हैं: नंबर एक, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। नंबर दो, सरकारी बॉन्ड। नंबर तीन, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड। नंबर चार, कॉरपोरेट बॉन्ड। लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम होता है। एफडी पर मुश्किल से 6-8% का रिटर्न मिलता है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग या महंगाई हर साल 8% से बढ़ रही है। मतलब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 रुपए की चीज एक साल बाद 108 रुपए की हो जाती है। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू को कम करती है। अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगर आप यंग हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एफडी में कम ही इन्वेस्ट करें। एफडी की तरह ही एलआईसी भी है, जो आपको बहुत कम इंटरेस्ट देती है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट। हर इन्वेस्टर शेयर मार्केट से मोटी कमाई करने की चाहत रखता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस कम या ज्यादा हो। ऐसी चाहत रखना आसान है, लेकिन अपने पैसे की सेफ्टी के साथ अच्छी कमाई करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी जरूरी है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप सीधे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14-15% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से निकलने पर 1,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहता है। 1,00,000 के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में हर टाइम ये चलता रहता है कि इनकम जनरेट कैसे करें, और वो भी एक्स्ट्रा इनकम। लॉकडाउन के इफेक्ट्स की वजह से हर जगह काम की कमी है, और ऐसे में एक्स्ट्रा इनकम करने की सोच सही भी है। लेकिन दोस्तों, ये इनकम कैसे की जाए, ये सभी के लिए एक सवाल है। वैसे भी कौन है जिसे एक्स्ट्रा इनकम कमाना पसंद नहीं होगा? ये कैसा सवाल है। ऑब्वियसली सभी को पसंद है, लेकिन हम अपने रेगुलर जॉब से थक चुके हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लाएं? बट थैंक्स टू अपस्टॉक्स, अपस्टॉक्स आपको ज्यादा इनकम करने का शानदार मौका दे रहा है। इसके लिए आपको अपस्टॉक्स में ऑथराइज्ड पार्टनर के लिए रजिस्टर करना है, और आपको अपस्टॉक्स को अपने सोशल सर्कल और बिजनेस नेटवर्क्स में रेफर करना है। आपको अपस्टॉक्स में पर सक्सेसफुल रेफरल पर 500 रुपए मिलते हैं। अगर आप 10 लोगों को रेफर करते हैं और वो अपना अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 5,000 रुपए कमा सकते हैं। वहीं पर सक्सेसफुल रेफरल में 500 रुपए से ज्यादा कमाने के भी ऑप्शन है। साथ ही हर बार आपका रेफर्ड कस्टमर ट्रेड करेगा तो आपको ब्रोकरेज कमीशन मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हर बार जब आपका रेफरल ट्रेड करता है तो आपको ब्रोकरेज की कुछ परसेंट अमाउंट भी मिलता है, तो इससे इनकम रेगुलर बनी रहती है। अब स्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल है और कुछ ही मिनटों में सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। दोस्तों, जब आपकी लीड से सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाता है तो कस्टमर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकता है। आज अपस्टॉक्स की मदद से लाखों लोग कहीं भी कभी भी इन्वेस्टिंग कर पा रहे हैं, और ये कोई सरप्राइज नहीं है।
कि बहुत सारे लोग कोरोना लॉकडाउन के दौरान इस डिजिटल इन्वेस्टिंग मूवमेंट से जुड़े हैं, क्योंकि ये है ही इतना इजी। अब स्टॉक्स 40 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के लिए सिंपल, स्विफ्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर दिया है और ये बहुत फास्ट है। आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जरूरत की हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। आप चलते फिरते लाइव न्यूज को भी ट्रैक कर सकते हैं और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अफोर्डेबल भी है। अगर आप इंट्राडे डिलीवरी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको केवल अप टू 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज पे करना है। दोस्तों, अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म में हर स्टॉक के न्यूज फीचर, चार्ट्स और फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है, जिससे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले सारी जानकारी ले सकता है। और साथ ही यह आपको लर्निंग वीडियो सीरीज भी अवेलेबल कराता है, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और शानदार हो जाती है। न्यू ट्रेडर्स जिन्हें अभी मार्केट की समझ नहीं है, उनके लिए ये तो बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों, अपस्टॉक्स है तो इजी है, स्टार्ट करके देखो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है रियल एस्टेट। रिटर्न कमाने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पीढ़ियों से पसंदीदा विकल्प रहा है। इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनली इसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से कई मायनों में अलग है, क्योंकि घर या दुकान खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला होता है, जिसमें कई बार जिंदगी भर की कमाई लगी होती है। इसलिए प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी फैसला लेते समय दिल के बजाय दिमाग के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। बेमतलब की चमक दमक और आकर्षण में उलझने के बजाय अपनी जरूरतों पर फोकस करने से ही अच्छा रिटर्न मिलना संभव है। इस इन्वेस्टमेंट से दो तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है, दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है। जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से निकलने में काफी वक्त लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। नंबर चार, कमोडिटी प्रेशियस मेटल, जैसे सोना, चांदी और हीरा। सोने और चांदी के गहनों में इन्वेस्ट करना ट्रेडिशनल मेथड्स में से एक है। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। भले ही इसका अब करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये धातु कई देशों की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में सोना काफी पॉपुलर है और इसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक एडिशनल ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन और अन्य बाजार जोखिमों को मात देने के लिए सही चीज है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए। तो दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए 25 साल तक फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करें तो जानते हैं कि कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 1.1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न औसतन 15% सालाना हुआ तो 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। बुलियन यानी सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 8% सालाना का मानकर चले तो 95.7 लाख रुपए। तो साफ है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से आज ही अपस्टॉक्स पार्टनर बने। ब्रोकरेज शैल नॉट एक्सीड सेबी स्पेसिफाइड लिमिट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।